दोस्तों, क्या आप WhatsApp में किसी को ब्लॉक किए हुए हैं? क्या आप WhatsApp में ढूंढ रहे हैं कि ब्लॉक लिस्ट कहां पे होता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp में हम जिसे ब्लॉक किए हुए उसे अनब्लॉक कैसे करते हैं? अगर हां, तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, यहां पे हम अपनी फोन की स्क्रीन पे हैं और WhatsApp की ब्लॉक लिस्ट देखने के लिए, WhatsApp में जिसे हम ब्लॉक किए हैं उसे अनब्लॉक करने के लिए आपको ओपन करना होगा अपने फोन में WhatsApp को। WhatsApp ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में तीन लाइन दिखलाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इस तीन लाइन पे। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स का, तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अकाउंट्स पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आप जिस कॉन्टेक्ट को ब्लॉक किए रहते हैं वो उसका डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं दो कॉन्टेक्ट को ब्लॉक किया हूँ, तो यहाँ पे टू लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके अगर हम इसे ओपन करते हैं तो आप जिस कॉन्टेक्ट को ब्लॉक किए रहते हैं उन सभी का यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि इसे अगर आप चाहे अनब्लॉक करना तो कैसे आप इसे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, अगर इसे आप अनब्लॉक करना चाहते हैं तो आप उस कॉन्टेक्ट पे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको एक अनब्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप अनब्लॉक पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये कॉन्टेक्ट अनब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे कॉन्टेक्ट पे भी लॉन्ग प्रेस कीजिएगा और इसके बाद अनब्लॉक पे क्लिक कीजिएगा तो वो भी कॉन्टेक्ट यहाँ से अनब्लॉक हो जाएगा।